एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली की सूखी सब्जी, जिसे आप स्टीर फ्राई भी बोल सकते हैं, और इसे रोटी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ ये कहीं लंच बॉक्स में भी इसे लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर के तैयार होती है ब्रोकली की सब्जी। तो इसे हमने किस तरह से बनाया और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ब्रोकली की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी सी ब्रोकली, करीब ये 1 केजी, और इसके हम जो डंठल है वो निकाल देंगे और सिर्फ जो फूल है उसे हम कट कर लेंगे। आप अपने मनपसंद के साइज से इसे कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने इसे देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके जो डंठल थे वो हमने निकाल दिया है और बाकी के जो फूल थे उसे हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमने लिया है एक बाउल और उसमें हम इस तरह से ब्रोकली को डालते जाएं। सारे ब्रोकली को हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जियों में केमिकल होते हैं, गंदगी होती है, वो आसानी से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ब्रोकली को। अब हम इसे निकाल करके और छान लेंगे। तो यहाँ हमने देखिए सारे ब्रोकली को छान लिया है एक प्लेट में, और थोड़े से हमने आलू को कट कर लिया है, वो भी हमने लंबे लंबे साइज में इसे कट कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं, और सरसों के तेल में कोई भी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, साथ साथ हेल्दी भी होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे सरसों के तेल में ही बना। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे और इसके बाद हम आलू को डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से भून लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे आलू थे वो अच्छे से देखिए सॉफ्ट भी हो गए हैं और ये भून भी चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे आलूओं को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और जो बाकी के तेल बचे थे उसी में हम ब्रोकली भी डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें ब्रोकली को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस उसका कच्चापन है वो दूर हो जाए, उतना ही हमें ब्रोकली को फ्राई करना। तो करीब 5 मिनट तक हमने इस तरह से ब्रोकली को फ्राई कर लिया था, और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे जिस प्लेट में हमने आलूओं को डाला है। ब्रोकली को भी हमने निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में हम फिर से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ ऑयल अच्छे से परफेक्ट हो चुका था गर्म। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, और साथ ही साथ हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग पाउडर। जीरा को हम चटकने देंगे, साथ ही साथ इसमें हम 2 बड़ा चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ डालेंगे। मैंने लहसुन को बारीक चॉप कर लिया था, आप चाहे तो इसे क्रश भी कर सकते हैं। और लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ लहसुन भी अच्छे से देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो 3 से 4 प्याज थे बड़े साइज के, और उसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहे तो कोई भी साइज में प्याज को कट करके इसमें फ्राई कर सकते हैं। प्याज को हम सॉटी होने तक भून लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस वो गुलाबी कलर के हो जाए उतना ही हमें प्याज को भूनना है। यहाँ प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ, और ये बिल्कुल पके हुए टमाटर थे, देसी टमाटर है जो कि थोड़े से खट्टे लगते हैं, तो वही हमने टमाटर का यूज किया है। अब सारे टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं ये टमाटर। तो अब साथ ही साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सूखे मसाले मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च भुका हुआ, और 1/2 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है ताकि मसाले जले नहीं, और यहाँ देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और उसे भी हम सारे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होती है ये सब्जी। अब देख सकते हैं कि कितने हमने सिंपल तरीके से इसे बनाया है। तो सारे मसाले अच्छे से भून चुके थे। अब हम इसमें आलू और ब्रोकली डाल देंगे, और उसे भी हम 1/2 मिनट तक साथ ही साथ भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से देखिए बीच से चीरा लगा दिया है,
और उसे भी हम सब्जी में मिला लेंगे। तो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी के छींटे मारेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और सब्जी भी हमारे सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसे बिना पानी के ही पकाना है। तो हम इसे अब कवर कर देंगे और इसे कवर करके करीब 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। बीच बीच में हम थोड़े से चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले, और इसे हमें कवर करके ही कुक करना है। 10 मिनट हो चुके थे और देख सकते हैं कि सब्जी हमारी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ब्रोकली और आलू भी हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हरे धनिया भी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम सब्जी को 1 मिनट तक इस तरह से ढक देंगे ताकि गरम मसाला का जो अरोमा है वो सब्जी में अच्छे से आ जाए। 1 मिनट तक हमने इसे कवर कर दिया है फिर से और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी है वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। साथ साथ सभी को पता है ब्रोकली कितने ही लाभदायक है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।